हर घर को रोजगार, तब तक 5,000। 20 सालों में उत्तराखंड की जो हालत भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने की है उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है अपने अधिकारों के लिए आज सड़क पर आंदोलन करता राज्य का बेरोजगार। ये बेरोजगार आज अपने ही राज्य की सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहा है। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। तो इसका साफ मतलब है कि सत्ता में बैठी सरकारों ने उसकी उम्मीदों, उसके साथ किए वादों, उसके सपनों को तोड़ने का काम किया है। ऐसी ही टूटती उम्मीदों और सपनों के बोझ को उठाने में लाचार हो गया था नंद प्रयाग के मंदरौली गांव का संदीप, जिसने वन दरोगा की भर्ती ना होने पर आत्महत्या कर ली। ऐसे कई बेरोजगार संदीप हैं जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनके सपनों को क्यों कुचला गया। बेशर्मी की हद तो ये है कि इतने में भी ये युवाओं को फिर उसी झूठी नौकरी का झांसा देकर वोट ऐंठना चाहते हैं, मगर अब इन बदरंग गिरगिटों की ये चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। सोचिए, एक तरफ भाजपा जैसी जुमलेबाज पार्टी है तो दूसरी तरफ विधायक बेचने वाली कांग्रेस है जो केवल जनता को छलने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दम पर एक छोटा सा मिशन शुरू किया था बेरोजगार युवाओं की टूटती उम्मीदों को जोड़ने का। केवल अपने दम पर जिस व्यक्ति ने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया, तो सोचिए जब वो सत्ता में आएगा तो कितने बेरोजगारों के सपनों को पूरा करेगा। आप जानते हो उस शख्स को, उस कर्नल अजय कोठियाल को, क्योंकि उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्सियत है जो राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड नवनिर्माण का संकल्प लेने का माता रखते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। जहां पहले से ही प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवाओं की फौज थी, वहीं अब कोरोना महामारी के इस दौर में हजारों नए बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, जिससे सरकार की नाकामी और ज्यादा खुलकर सामने आई है। ऐसे में अकेले कोठियाल ही हैं जो भाजपा और कांग्रेस को रोजगार के मॉडल पर बहस करने की खुली चुनौती देने का दम रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य के विकास के लिए बेरोजगारी की बढ़ती दर पर काम करना कितना जरूरी है। बेरोजगार की सिसकती जिंदगी में सामाजिक तिरस्कार का जो जहर घुलता जा रहा है उसे भाजपा और कांग्रेस और बढ़ाने का काम करेंगी, क्योंकि इन्हें केवल अपनी सियासत चमकाने से मतलब है। जहां बीते 2 सालों में लाखों बेरोजगारों की तुलना में 1% बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं मिल सका है, वहीं दूसरी ओर एक अकेले व्यक्ति ने पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के ऐसे युवाओं को तैयार किया है जो शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष बनकर न केवल देश की सीमाओं के प्रहरी बन गए, बल्कि यूथ फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ उत्तराखंड नव निर्माण की एक नई गाथा लिख रहे हैं। तो क्या आप ऐसी सरकारों को वोट करेंगे जो सत्ता में रहकर भी इन 20 सालों में बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर काम नहीं कर पाए, या फिर उस व्यक्ति को जिसने केवल अपने दम पर बीते 8 सालों में राज्य के नव निर्माण के लिए 10,000 प्रहरी खड़े कर दिए।